नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली ये कैंडिडेट हैं जो कि कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच वाले हैं, डीबी वाले, उनका जो फॉर्म है वो आपके कल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो वो मैं आपको बताऊँगा आज की वीडियो में कि आपको कौन सी गलती है, मिस्टेक्स हैं, वो नहीं करनी है जिससे आपका एडमिट कार्ड डूब जाए। देखिए, मैं हर बार इस वीडियो को बनाता हूँ लगभग, और हर बार आप इस गलती को दोहरा देते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी गलती है जो आपके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो आप क्या करते हैं कि आप जैसे ही अपना जो नाम फिल करते हैं ना, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है मनोज कुमार, ठीक है, मनोज प्रजापत मेरा नाम है, और यहाँ पर मैं अपने नाम को MANOJ लिख दूंगा और प्रजापत की जगह कुछ और लगा दूंगा या नहीं लगाऊंगा, वो सब गलती है, मैं यहाँ पर कर दूंगा, और इसके वजह से या तो आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा पहली बात तो। ठीक है, लेकिन इस पिछले एक साल से एडमिट कार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड इसका देने लगा है। एडमिट कार्ड नहीं आए, मतलब आ जाएगा तो आपको एग्ज़ाम देने ही नहीं दिया जाएगा। आप सभी को पता होगा बहुत सारे कैंडिडेट थे, खुद का नाम गलत था, पापा का नाम गलत था, मम्मी का नाम गलत था, कोई भी मिस्टेक थी, एक किसी भी तरह की विलेज, मतलब कि कहीं भी आपने यदि छोटी सी भी मिस्टेक की है, वो मैं आपको कल बताऊँगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, वो वीडियो मैं आपको कल बनाऊँगा। बाकी इन चीज़ों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा इस, ठीक है, पहली चीज़ ये आपकी हो गई। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होगी। पहला तो आपका होगा सिग्नेचर, सिग्नेचर आपका बेसिक फॉर्मेट में होगा, स्कैन करा हुआ। उसके बाद आपका होगा यहाँ पर क्या, फ़ोटो, फ़ोटो को सीधा लगाना है, सिग्नेचर को भी सीधा लगाना है, उल्टे लगा दिए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और यहाँ पर फ़ोटो की जगह आपने यदि ये लगा दिया सिग्नेचर तो भी आपके गलत हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म पहले बता रहा हूँ, या तो 30 को भरिएगा, सबसे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि आप 30 को यानी कल ही भरिएगा। यदि आप अदर डेट में ट्राई करोगे तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा, फिर बाद में मत बोलना कि सर मेरा फॉर्म ही भरा नहीं गया, मैं क्या करूँ, कोई वो नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट GD के अंदर रह गए थे, DB में भी रहेंगे, मेरे पास कमेंट भी आएंगी, फॉर्म नहीं भरा जा रहा, लास्ट डेट को ट्राई करेंगे। अरे भाई, फॉर्म तुम्हें भरना है, तैयारी कर रहे हो तो पहले ही ट्राई करो ना, कल जितने फॉर्म जिनको भी भरना है वो कल फॉर्म भर लेना 30 तारीख को। ठीक है, यदि आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, 30 और 31 को साइट ठीक चलेगी, उसके बाद साइट नहीं चलेगी, आप लिखवा कर ले लो इस चीज़ को, पहले भी मैंने इस चीज़ के बारे में आपको अलर्ट किया था। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बारे में यदि मैं बता दूं आपको, तो डॉक्यूमेंट्स यदि आपने अभी तक नहीं बनवाए तो उनको अभी से बनवा लीजिए आप, बिकॉज आपके पास 6 से 7 दिन है, उनमें आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, और लास्ट डेट है जो डॉक्यूमेंट्स की, उससे पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, OBC और आपके जो EWS कैंडिडेट हैं उनको छोड़कर। ठीक है, खुद के नाम में, पापा के नाम में किसी भी तरह की कोई भी, मतलब कि ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज एडमिट कार्ड आपको नहीं दिया जाएगा, और एडमिट कार्ड दिया जाएगा तो एग्ज़ाम में एंट्री नहीं होगी। हर बार सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ें मैं समझाता हूँ, फिर गलती कर देते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। अपना जो कैटेगरी है वो बहुत अच्छे से फिल करें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो कैंडिडेट जैसे मान लीजिए भरतपुर और धौलपुर के जाट हैं, राजस्थान के अंदर बात करूँ मैं, तो ये आते हैं आपके जनरल कैटेगरी में, तो ये फॉर्म में जनरल ही फिल करें। और हरियाणा के भी जाट है, वो भी शायद जनरल में आते हैं, तो जनरल फिल करें, OBC फिल ना करें, बिकॉज यदि आप OBC फिल करोगे तो आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो कि आपके पास नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। कहीं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।